हेलो। हाँ बॉस। गुड इवनिंग ऋतु प्रकाश जी। देखना गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। मैं आप बिल्कुल क्लियर, आपका वीडियो दिख रहा है, ऑडियो भी आपका क्लियर है, बिल्कुल ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी शायद अपने मानव संस्थान में जुड़ गया है, नितेश मोदी जी दिख रहे हैं, अरविंद रावत जी बहुत दिख रहे हैं। अभी मैं विजय जी को भी फोन कर देता हूँ, एक बार वो जो है ना जुड़ लेंगे। जी जी कर लिया कृपया सभी म्यूट कर लें।
हेलो। हाँ विजय भैया, यस सर, कौन कौन आ गए मीटिंग में? डीजीजी मीटिंग में डॉक्टर साहब आ गए दोनों, अपने डॉक्टर साहब कहाँ है? डीसीजी? डीसीजी भी आ गए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, डीसीजी। भाई सर नमस्कार। करवा हाँ करवा दो एक बार चालू, पहले आ जाए मैं दो उनको। 5 मिनट और रुको, थोड़ा सा आ जाए तो बेटर है, दो चार आदमी और। थोड़ा परिचय और दे दे जब तक अपन पुराना। 15-20 लोग हुए और कर लो, हाँ जुड़ रहे हैं अभी लोग, 4 बजे का चार टाइम बजी है ना अभी, 4-5 बजे चालू करो। हाँ 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 तो चार हाँ बजे का टाइम। ग्रुप में भी डाल दिया मैंने तुरंत, प्लीज ज्वाइन फास्ट। जी तू से बोलो, हेलो। मैं बोलता हूँ और लोगों से जानती हाँ, 1 सेकंड, 5 मिनट का ले ले, केवल 5 मिनट का हूँ। हाँ बस। 5-4-5 चालू कर देंगे। तो मैं एक बार थोड़ा वापिस आ रहा हूँ, फिर 5 मिनट, दो चार दो लगेगा। ठीक है। हेलो। हेलो। आप बोलोगे हाँ डॉक्टर साहब, डीसीजी। वो उठाएगी। मैं इनकी चालू करवा दो, बस 24 हो गया, चालू हो जाए फिर अपना समय निकल जाए। हाँ हाँ चालू कराइए। बिल्कुल आप करवाइए परिचय एक बार डॉक्टर साहब। गुड बिल्कुल एक मिनट। इवनिंग सभी साथियों को नमस्कार, और आज हमारे मध्य में
डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा कॉस्मो हेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे मध्य में है और आज कोरोना अवेयरनेस के बारे में हमसे बात करेंगे। हमारी मन में जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देंगे और आप अब बुद्धि भाई साहब डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी आए और अपना कोरोना अवेयरनेस के बारे में अपनी जो भी जानकारी है हमें प्रोवाइड कराएं। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मुकेश बॉस आ गए क्या? डॉक्टर मुकेश मुकेश जी जी बॉस जी, कोई अगर स्क्रीन है ना जिसे आप शेयर करना चाहो तो मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ, अगर कोई आप स्क्रीन शेयर करना चाहो तो। बॉस स्क्रीन शेयर करने की नहीं है, ऐसे ही अपन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज। बिल्कुल जी बॉस जी। एक बार मैं बीच में बोल रहा हूँ थोड़ा, सभी लोग अपनी अपनी जो है माइक है वो बंद कर ले एक बार, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी हमें संबोधित करने वाले। यस सर, डॉक्टर साहब बुद्धि प्रकाश जी। हाँ जी, सबको नमस्कार मेरा। अब आज आपको सबको इसलिए हम जूम मीटिंग कर रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है आप सबको सर्वविदित है कि इसने विकराल रूप धारण कर रखा है। स्पेशली अगर मैं कहना चाहूं तो अपना जो क्षेत्र है गंगापुर और बुद्धि प्रकाश जी, थोड़ा आप देखो कि कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है आपकी तरफ से। सॉरी बॉस, वो मैंने लैपटॉप में लगाया था, वो ठीक है डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। जी जी, अब आ रही है आवाज मेरी? आप बिल्कुल आ रही है। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण कर रखा है और इस समय सारे क्षेत्र जो भी है राजस्थान में उनकी सबकी बुरी हालत है और अपने गंगापुर और करौली जो क्षेत्र है उसकी तो बहुत ज्यादा खराब है। अब इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम क्या हमारे लोगों के लिए सहायता कर सकते हैं, हम कैसे अवेयरनेस या जागरूकता ला सकते हैं जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके और अगर किसी को है भी कोरोना बीमारी तो उसमें उसका कैसे सहयोग किया जा सके। सबसे पहले अवेयरनेस के लिए कि कोरोना बेसिकली हम कोरोना से दूर रहें उसके लिए क्या करना चाहिए, जो बेसिक चीज है कोरोना बीमारी को हम खुद लेकर आते हैं, कोरोना बीमारी खुद अपने पास चलकर नहीं आती, हम उसके पास जाते हैं तब जाकर हमें कोरोना होता है। बेसिक जो प्रिकॉशन है अभी जो भी WHO की गाइडलाइन है या जो अपने गवर्नमेंट की ICMR की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा है, कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वो हो रहा है एयर के द्वारा। एयर का मतलब है आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे कोरोना महामारी फैल रही है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से महामारी नहीं फैले उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मास्क। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अपना मास्क। मास्क जो हम रूटीनली यूज कर रहे हैं घरों में, चाहे वो कपड़े का मास्क पहन रहे हैं या फिर कोई सर्जिकल जो नॉर्मल मास्क आता है वो 3-ply वाला पहन रहे हैं या कोई सा भी जो मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहनने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, क्योंकि कभी भी अगर आप कोरोना पीड़ित के संपर्क में आते हैं जो भी कोरोना इन्फेक्टेड है तो आपको जो सबसे ज्यादा बचाएगा वो है कोरोना मास्क। हाथ धोना, नहाना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मास्क। हम जो डॉक्टर्स है वो जनरली जो यूज करते हैं वो N95 मास्क यूज करते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में हम काम करते हैं जैसे हमें हॉस्पिटल जाना होता है और हमें मरीजों के संपर्क में आना होता है, तो N95 मास्क जो हम यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। जो भी हम कपड़े का मास्क पहनते हैं या कोई भी चीज पहनते हैं तो एक तो इंपॉर्टेंट है डबल मास्क पहने, अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं या सिंपल मास्क पहन रहे हैं तो डबल मास्क यूज करिएगा। और मास्क हमेशा नाक के ऊपर होना चाहिए, हम जनरली मास्क को सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। मास्क को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जो
नोज और मुंह वाला जो सिस्टम है वो पूरा ब्लॉक होना चाहिए, उसमें कहीं से भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सबसे प्रिवेंटिव मेथड है वो है मास्क के द्वारा हम कोरोना को कुछ हद तक अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सेकंड चीज, कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। अपने सबसे जो मेरे को बहुत परेशान करती है जो सबसे चीज, और मेरे हिसाब से सारे जो शिक्षित लोग हैं वो इसी चीज से परेशान रहते हैं कि लोग महामारी को महामारी की तरह से नहीं ले रहे हैं। आप ये देखो, चाहे उस दुकान पर हो या बाजार में हो, हर जगह भीड़ इकट्ठा है। इवन मुझे अभी ये कहते हुए थोड़ा सा झिझक भी होती है और कभी कभी वो भी होता है दुख भी, लेकिन आप अगर कहीं पर किसी भी संबंधित या किसी भी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। किसी भी कभी कभी हमें जब दुख होता है कि भाई हमारे किसी सगे संबंधी में किसी की, हेलो, यस, हाँ, हमें कभी कभी जैसे सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ पर सगे संबंधी है, यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है या कहीं हो गया, उसकी तीए की बैठक में जाना है। आजकल एक बात मैं आपको बहुत ही दुख के साथ ये बता, एक बार बुद्धि प्रकाश जी आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया, एक बार प्लीज ऑडियो को दोबारा वो करो, ऑडियो आपका म्यूट हो गया आपका। हाँ, अब हो गया सर? अब सही है बिल्कुल। मैं आपको बहुत ही दुख के साथ ये बोलना चाहूंगा और बहुत ही कड़े शब्दों में कि आप चाहते हो कि आपके साथ वो दुर्घटना नहीं घटे जो किसी और के साथ घटी है, तो आप इनमें भी जाना बंद कर दीजिएगा। ना कोई तीए की बैठक में जाएगा, ना किसी के अंतिम संस्कार में जाएगा, क्योंकि अभी कल की एक न्यूज है कि आप सीकर में 150 लोग वहां पर अंतिम संस्कार में गए क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है वहां अंतिम संस्कार में, और वहां जाकर 150 में से 21 या 22 लोग 7 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से। तो मैं ये बहुत भारी हृदय के साथ बोलना चाह रहा हूं कि अभी समय केवल सुरक्षित रहने का है, अपने अपने परिवारजनों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन भविष्य में, हम ही भविष्य की पीढ़ी है, हम भविष्य में हम जो समाज के लिए जो कर पाएंगे वो हमारा सुरक्षित रहना जरूरी है। तो कहीं पर भी भीड़भाड़ वाला इलाके में कोई इकट्ठा नहीं हो। मास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप मास्क प्रॉपर तरीके से, अगर नॉर्मल मास्क यूज कर रहे हो तो डबल मास्क यूज करो, और अगर N95 मास्क यूज कर रहे हो तो वो प्रॉपर सीलिंग होना चाहिए। N95 मास्क की नोज एंड मुंह से पूरा सील होना चाहिए, कोई भी एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी कोई जानने वाला व्यक्ति अस्पताल में जाता है अपने परिजन को या कोविड मरीज को देखने, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाके मरीज को देखने की, क्योंकि डॉक्टर विद फुल प्रोटेक्शन पूरा पीपीई किट पहन के N95 मास्क के और पेशेंट को देखने जाता है, जो भी कोविड पेशेंट को है। लेकिन जो भी परिचित या सगा संबंधी वो जाता है, वो इतनी सावधानी नहीं रख पाता है जितनी डॉक्टर रख पाता है। तो जाने अनजाने वो अपने आप को इन्फेक्ट करके लाएगा और घर पर भी और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो मैंने एक तो मास्क के बारे में बताया, दूसरा आपको सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें कि भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, और ये सारी चीजें बताई है। ये तो है आपको कोरोना आप तक नहीं पहुंचे इसके लिए सावधानी। सेकंड चीज कि अगर बॉस आगे बढ़े, कोरोना हो जाए तो क्या करना है? बढ़े आप, अभी जो एक क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, पहले मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बार जो है सारे स्टेप्स बिल्कुल। देखो, अगर कोविड हो जाए तो पहली चीज, सबसे अपने शास्त्रों में भी बताया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आत्मबल। देखो, पहली चीज, डरो उतना ही कि भाई आए नहीं, और अगर आ गए तो उसका सामना करना अच्छी तरीके से। अपना आत्मबल कमजोर नहीं करना, आत्मबल जितना मजबूत होगा उतनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई भी फर्स्ट सिम्टम अपन को डायग्नोस करना है। फर्स्ट सिम्टम मतलब कोई भी खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और लूज मोशन। अभी कोरोना के 30% केसेस जीआई डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। जीआई डिस्टरबेंसेस का मतलब दस्त, कब्जी या पेट दर्द से हो रहे हैं। तो कोई भी जो पहला सिम्टम है, आते ही ऐसा ईगो नहीं पाले कि यार नहीं मेरे को कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अभी 99.99% जो भी बुखार, खांसी, जुकाम हो रहा है वो 100% कोविड है, उसको कोविड मान के ही चले।
और कोविड मान के चलने में सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आपने पहले सिम्टम पर कोरोना को डायग्नोस कर लिया तो उसका इलाज संभव है। इलाज का मतलब आप अगर फर्स्ट डे से उसका डायग्नोस कर लेते हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपको ना तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। केवल 100 में से 10% केसेज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो 90% कोरोना वैसे ही घर पर ठीक हो जाता है अगर आप फर्स्ट डे से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चालू कर दो। अब आप बोलोगे कि साहब ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज क्या होता है इसका, तो हर आदमी का अपने सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट अस्पताल में भी डॉक्टर से इतना तो परिचय होता है, या आप जाकर वहां पर फर्स्ट डे ही आप उनसे पहली चीज कोविड का टेस्ट करवाओ, सेकंड चीज आप अपना ट्रीटमेंट लिखवा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज जो आती है कोरोना के ट्रीटमेंट की, साहब क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको घर पे रखनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पल्स ऑक्सीमीटर, छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए का आता है, वो एक घर पर रखें। दूसरा एक थर्मामीटर होना जरूरी है जो कि टेम्परेचर नापने के लिए होगा। तीसरा जो बेसिक मेडिसिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके रख लो, बट अगर कोई भी खांसी जुकाम होता है तो तुरंत मेडिकल स्टोर से वो बेसिक मेडिसिन लाके रखो जो कि कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा। जब भी आपको लगे कि खांसी जुकाम बुखार है, सबसे पहले घर में एक ऐसा कमरा अपने लिए, देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आप होने का इंतजार मत करो कि मेरे को कोरोना होगा तो क्या करूंगा मैं। आप कोई भी घर में एक कमरा या एक ऐसा सेग्रीगेटेड प्लेस, अलग से कमरा अपना डिसाइड करके रखो कि अगर किसी भी फैमिली मेंबर को वो होता है तो वहां पर मैं इसको रखूंगा, वहां पर इसका इलाज होगा। क्योंकि आप अगर सभी फैमिली मेंबर के साथ रहोगे कोविड पॉजिटिव होने के बाद, तो आपके साथ साथ सारे सदस्यों को होने का खतरा रहेगा। और एक इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मेरी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं 40 साल का हूं, मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, मेरे को कोई हाइपरटेंशन नहीं है, तो मेरे को कोरोना नहीं हो सकता, या मेरा कोरोना की वजह से मेरे को कुछ नहीं हो सकता, ये अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जो कोरोना का अभी स्ट्रेन चल रहा है, मैं डराने की वजह से नहीं कह रहा बट ये रियलिटी है, वास्तविकता है, जो भी कोविड का अभी प्रेजेंट स्ट्रेन है वो ना तो 15 साल वाले को छोड़ रहा है, ना 20 साल वाले को छोड़ रहा है, ना 40 साल वाले को छोड़ रहा है, ना कोई डायबिटीज देखता है, ना कोई हाइपरटेंशन देखता है, ये उतना ही खतरनाक डायबिटिक वाले में जितना कि नॉन डायबिटिक वाले में। तो कोरोना से बचाव ही उपचार है पहली चीज। अगर हो जाए तो आत्मबल मजबूत रखकर उसका पहले दिन से इलाज करवाएं। इलाज सबको पता है, किसी भी डॉक्टर से अपना परामर्श ले, वो इलाज तुरंत चालू कर देगा। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर अपने पास रखें। पल्स ऑक्सीमीटर से दिन में 3 से 4 बार आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहना पड़ेगा अपना। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन साहब कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन सेचुरेशन जो भी हम मरीज देख रहे हैं उसमें 30-40% जिनमें अपन को लगता है सेचुरेशन एकदम से कम होने लगता है, आप हमेशा मान के चलो 94 को एक पॉइंट बना लो, 94%, 94% पर आने के बाद आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। 94 पे जैसे ही आता है सेचुरेशन तो आपको सजग हो जाना चाहिए कि अब मुझे फ्यूचर में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो 94 एक क्राइटेरिया बना लो, 94 जैसे ही हो आपको लगे कि हाँ 94 सेचुरेशन, तो आपको बिल्कुल पैनिक बटन दबाना है कि हाँ मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी कोविड हो रहा है उसमें 3 तरीके का ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट जो हम देते हैं जनरली एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और बुखार की गोलियां और जिंक, विटामिन सी और ये सारी चीजें हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो सेकंड इंपोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है, जो कोरोना के लिए सबसे इंपोर्टेंट है, वो है स्टीरॉइड एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होता है जो खून पतला करने वाली दवाई होती है, दो। और तीसरी एंटीवायरल ड्रग जो कि बहुत फेमस है, आप सबको पता है रेमडेसिविर और ये सारी चीजें ड्रग्स है। एक बार सॉरी फॉर इंटरप्शन बुद्धिप्रकाश जी, मैं प्लीज प्लीज मैं सभी जो हमने ऑडियंस है सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अपने म्यूट रखें, अपने स्पीकर को म्यूट रखें, अदरवाइज आप बात प्रॉपर सुन ही नहीं पाएंगे, स्पीकर की बात आप सुन नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप अपने इसको म्यूट रखें, तभी जाके ये प्रॉपर मैसेज जो है वो आप सुन पाएंगे। कोरोना का इलाज क्या है? इलाज में बेसिक ट्रीटमेंट जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट डे आपको सिम्टम आएगा तो बेसिक जो ट्रीटमेंट शुरू होता है पर्टिकुलर कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, बुखार की गोली हो गई। उसके बाद एक एंटीवायरल ड्रग होती है जो सबने नाम सुना है फेबीफ्लू करके, ये फर्स्ट डे से अपन स्टार्ट करते हैं। जो मेन ट्रीटमेंट वो है स्टीरॉइड,
एंटीकोगुलेंट खून पतला करने वाली दवाई और एक कुछ एक जो एंटीवायरल ड्रग है जो कि सबने नाम सुना है रेमडेसिविर करके, लेकिन स्टीरोइड एंटीकोगुलेंट और रेमडेसिविर ये तीनों ड्रग बहुत ही पर्टिकुलर केस में दी जाती है। पर्टिकुलर केस का मतलब है कि सपोज आपको खांसी जुकाम आज से शुरू हुआ और उसके बाद आप तीसरे या चौथे दिन आपको HRCT चेस्ट सिटी स्कैन होता है छाती का, वो करवाना बहुत जरूरी है तीसरे से पांचवें दिन के बीच में। सीटी स्कैन में अगर आपको स्कोर आता है 5 या 5 से ज्यादा तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, आप अपने मर्जी से नहीं डॉक्टर की सलाह से, स्टीरॉइड एंटीकोगुलेंट और अगर अवेलेबल है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सारी चीजें डॉक्टर की सलाह से लेनी है, अपनी मर्जी से नहीं लेनी। आपको सचेत क्या रहना है कि पहले दिन पहला सिम्टम आते ही सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है, कोविड टेस्ट। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि 30% केसेस में कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी खांसी जुकाम बुखार इस टाइम 100% उसको कोविड मानकर ही चले, उसमें लापरवाही नहीं करें। ऐसा नहीं बोले कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है मेरे को कोरोना नहीं है, उसमें दो नुकसान होंगे। पहली चीज तो आप अपना ट्रीटमेंट अवॉइड करोगे, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं लोगे। दूसरी चीज, आप नेगेटिव रिपोर्ट के चक्कर में घर वालों को और आस पड़ोस दोस्तों को भी आप इन्फेक्ट करोगे। तो अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है, आप अपने आप को आइसोलेट करें, ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करें और अपने आप को ये भ्रम में नहीं रखें कि मेरा कोविड नेगेटिव है, ठीक है। तीसरे से पांचवें दिन अपना सीटी स्कैन करवाएं अगर अवेलेबल है, सीटी स्कैन अगर नॉर्मल है तो आप वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। अगर सीटी स्कैन में कोई भी फाइंडिंग आती है तो डॉक्टर से सलाह लेकर स्टीरॉइड एंटीकोगुलेंट या रेमडेसिविर अगर अवेलेबल है या कोई भी एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है तो वो स्टार्ट डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपनी मर्जी से नहीं लें। ये हो गया ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और सैचुरेशन का मैंने आपको बताई दिया कि सैचुरेशन का अब आपको पैनिक बटन दबाना। दूसरी चीज, घर में या आस पड़ोस में अपने दोस्तों से हमेशा ये चीजें तैयार करके रखो कि भाई देखो अगर आपको कोविड होता है तो मैं हेल्प करूंगा, मेरे को होता तो आपको हेल्प करनी है, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी पहले से कि हाँ ये चीजों की मुझे जरूरत पड़ सकती है, अगर मेरे पास है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके पास है तो मुझे प्रोवाइड। ये चीजें देखो, कभी भी जब युद्ध के समय हम क्या करते थे, युद्ध के समय भी हम ऐसे ही व्यवस्था करते थे, तो ये कोरोना महामारी एक युद्ध के तरीके से आपको अपन को लेना है। तभी हम अपने अपने दोस्तों के, अपने परिवारजनों के, अपने शहर वासियों की मदद कर पाएंगे। चौथी चीज, कई बार एक सवाल आता है कि साहब ये टीके से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, वैक्सीन हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सारी सरकारें अच्छा काम करी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। वैक्सीन जब उन्होंने उपलब्ध करवाई थी तो कई बुद्धिजीवियों ने, हमने भी कई लोगों ने उसको कि भाई वैक्सीन इतनी प्रभावी है इतनी प्रभावी नहीं है, पर मैं आपको एक चीज क्लियर कट कर दूं, केवल और केवल प्रभावी जो है वो वैक्सीन ही है, टीका ही समाधान है इस बीमारी का। वैक्सीन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि इस बीमारी को अपन सके। वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमको विश्वास रखना है पर अति आत्मविश्वास नहीं रखना, आत्मविश्वास होना चाहिए अति आत्मविश्वास नहीं, क्योंकि अति आत्मविश्वास हमेशा ले डूबता है। वैक्सीन के बाद इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके कि मुझे नहीं हो सकता, और वैक्सीन प्रभावी है लेकिन 100% प्रभावी नहीं है, तो वैक्सीन होने के बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको डिजीज हो सकती है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि साहब वैक्सीन लगाने के बाद ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई। वैक्सीन का एक बहुत बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। टीका लगवाने के 3 से 5 दिन आपको घर में बंद रहना है। आप बोलोगे साहब ये क्या बोल रहे हो आप, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वैक्सीन जो भी लग रहा है ना, वो वैक्सीन क्या करता है आपके शरीर में जाके हल्की सी माइल्ड डिजीज करता है, कोरोना डिजीज करके, उसी से आपको इम्यूनिटी मिलती है। जो कोरोना का माइल्ड इन्फेक्शन होता है उससे आपको इम्यूनिटी मिलती है। अगर आपने वैक्सीन लगवाने के बाद हल्की सी इम्यूनिटी आपकी ड्रॉप होती है, अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद 3 दिन और 4 दिन में, क्योंकि महामारी का समय अभी जाके आप बाहर घूम के आ गए कि मेरे को वैक्सीन लग गया, दूसरे दिन आप घूम रहे हो, तो आपको अगर कहीं से कोरोना ऊपर से एडेड इन्फेक्शन मिल गया तो वैक्सीन का दोष नहीं है, वो आपको कोरोना ऊपर से आया उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो कुछ केसेस अपन को देखने को मिलते हैं कि साहब इसने तो अभी 6 दिन पहले वैक्सीन लगाया था, इसको बीमारी क्यों हो गई, ऐसा नहीं है। उसको वैक्सीन लगने के 3 से 5 दिन के अंदर अगर ऊपर से कोविड हो गया इन्फेक्शन तो वो विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है वैक्सीन का, और ऊपर से कोविड इन्फेक्शन सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया तो वो डबल हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने के 3 से 5 दिन घर में ही रहे, बाहर ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए। दूसरी चीज,
घर से जब भी बाहर निकले, अगर आपको एसेंशियल है, इमरजेंसी है कि मेरे को घर से बाहर जाना ही है, तो मेरा व्यक्तिगत भी ये है, आप भर पेट खाना खा के निकले, भूखे पेट बिल्कुल नहीं निकले। भरा पेट अगर होगा, आप खाना खा के निकलोगे, तो वायरल इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। भर पेट खाना खा के निकले, अच्छा मास्क लगा कर निकले, और अपने साथ गर्म पानी जरूर रखे, गुनगुना पानी पीते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मास्क कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में अपना नहीं उतारे। मैं सुबह हॉस्पिटल निकलता हूं 10 बजे, और जब भी वापस आता हूं 2-2.5 बजे, मेरा मास्क हॉस्पिटल प्रीमिसेस में कहीं पर भी ना नीचे होता है ना ऊपर होता है, क्योंकि मास्क ही है जो आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाता। केवल N95 मास्क, या आपका जो मास्क है कपड़े का, उसको भी डबल करके पहने, सिंगल मास्क नहीं डबल, वो ही आपको बचाएगा, और वो भी प्रॉपर सील्ड होना चाहिए। ये नाक वाला जो एरिया है, नाक और मुंह वाला, ये वाला एरिया ऐसे नहीं है इसको नहीं, इधर से सांस ले लिया, इसको इधर से कर लिया, ऐसा नहीं है। मास्क इंपॉर्टेंट चीज है। बॉस, मेरे को जितना ज्ञान था उस हिसाब से मैंने बता दिया, आप प्लीज। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इतना अच्छा इसको जो है ना, बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है, और वो सबके समझ में आया, मेरे ख्याल से सबके समझ में आया है। इसके बावजूद ही डेफिनेटली हमारी कुछ क्वेरीज है जो स्पेसिफिक होती है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो हम चाहेंगे कि हम बुद्धि प्रकाश जी से, हमारे जो डॉक्टर साहब आज जुड़े हैं, इनसे हम पूछे हैं उन क्वेश्चनों को, और डेफिनेटली उनका जो है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये जिस हॉस्पिटल से जुड़े हैं वो कोविड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। मैं आपको बताऊं, आज मेरी मम्मी जो है ना, मैं आपको बिल्कुल पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज मेरी मम्मी मेरे पास में है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है बुद्धि प्रकाश जी, पब्लिकली रिपीट करता हूँ। तो डेफिनेटली इनका जो एक्सपीरियंस, इनके हॉस्पिटल का, इनका जो डेडिकेशन है स्टाफ का, इनका पूरा, उनका खुद का पर्सनल, वो इतना है कि वो डेफिनेटली वो हमेशा इनका जो है ना ये रहता है कि किसी प्रकार से मैं जो है हमारे गंगापुर वासियों की कम से कम जो है ना, बाकी तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान से ही इनके पास में आते हैं, लेकिन गंगापुर के लिए विशेष इनका प्रेम रहता है। तो डेफिनेटली आप इनसे क्वेश्चन पूछे, और आपको जरूर उनका और प्रॉपर जो है, और हमेशा इनका हेल्पिंग वो रहता है, तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर भी मिलेगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। कभी ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जरूर इनसे आप पूछे क्वेश्चन जो भी आपके हैं। सर, पहला क्वेश्चन मैं ही ले लेता हूँ एक। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। अभी किसी का फोन आया था मेरे पास सुबह, तो वो बता रहा था कि एक 22 साल का ही लड़का है जी। तो वो बता रहा कि उसके 6-7 दिन से करीब, यानी कि हाथ पैरों में टूटन सी होती, यानी वो जब खड़ा होता था ऐसा लगता है वो गिर जाएगा। तो ये क्या सिम्टम्स मानूं मैं? तो इसको कोरोना के मान रहा हूँ इसका सिम्टम्स। बिल्कुल इसको 100% कोरोना मान के ही चले, और उनको बोलिएगा सबसे पहले आप कोविड टेस्ट करवाइएगा। कोविड टेस्ट की फैसिलिटी मेरे हिसाब से सब जगह है, अपने गंगापुर में भी है। सबसे पहले कोविड टेस्ट करवाएं और पल्स ऑक्सीमीटर लेकर सेचुरेशन अपना चेक करें। अगर सेचुरेशन 94-95 से ऊपर है और कोई बुखार नहीं है, तो वो घर पे ही मॉनिटर करके सिंपल अपना मल्टीविटामिन और जो भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन सलाह से अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन कोविड टेस्ट 100% करवाएं और इसको कोविड मान के ही चले। जो भी कमजोरी का सिम्टम है, बुखार, खांसी, जुकाम और दस्त और पेट दर्द, ये सारे कोरोना के सिम्टम है, इनको आप कोरोना मान के चले, टेस्ट करवाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों में क्या है, जैसे फीवर हो गया उनको, या जुकाम हो गया, या खांसी होगी, बुखार होगी, तो वो क्या जैसे कोविड का अपना इलाज ले लेते हैं, तो उसके बाद भी उनको 7-8 दिन बाद ठीक होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो कमजोर है, उनके शरीर में ताकत नहीं है, तो इसका क्या निदान हो सकता है? एक बहुत बड़ी, इस टाइम जो कोविड में चल रहा है, मैंने कई पेशेंट में नोट किया है, पेशेंट को पहले दिन बुखार आता है, दूसरे दिन थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरे दिन से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत ही डिसेप्टिव चीज है, ये आभासी चीज है। 4th-5th दिन उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है कई पेशेंट्स में। रीजन क्या है कि पहले दूसरे दिन तो क्या है, वायरल रेप्लिकेट करता है आपके, वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी में ग्रो करता है, लेकिन किसी का इम्यूनिटी लेवल क्या होता है, किसी का अलग होता है, तो वो 2 दिन रेप्लिकेट करके वो छोड़ देता है, लेकिन जो वायरस का जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसका इफेक्ट आता है आपके 4th-5th दिन। उसको बोलते हैं अपन जो इंटरल्यूकिन बढ़ जाना होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो 4th-5th दिन इसको लाइटली नहीं लें, आपको 7-8 दिन तक अपने आप को मॉनिटर करना है, सैचुरेशन भी मॉनिटर करना है, और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CBC, CRP होता है, सीरिएक्टिव प्रोटीन, और D-डाइमर, ये जरूर करवा लेने चाहिए। जो भी आपको कोविड पॉजिटिव है उसको कुछ एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो जरूर करवाने चाहिए, और एक बार नहीं,
पांच दिन के अंतराल पे दो बार करवाने चाहिए, जिससे कि आपको असेसमेंट हो जाएगा कि मेरे अंदर जो वायरल रेप्लिकेट हुआ है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई टॉक्सिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। हेलो, तो जब भी कोई भी फीवर आए एक दो दिन आने के बाद आप उसको लाइटली नहीं ले, उसको 7 से 10 दिन तक मॉनिटर करते रहे। हेलो, डी डाइमर की फैसिलिटी गंगापुर में है या नहीं है, थोड़ा सा ये कंफर्म है? बॉस है, है, है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, डी डाइमर एक काफी अच्छा इंडिकेटर है और डेफिनेटली से पता लगता है कि भाई कोई साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी कोई सिचुएशन तो बॉडी में नहीं। पता नहीं कोई मेरे से सवाल पूछे नहीं पूछे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं आपको, कई लोगों का मरीजों का जो कोरोना का इलाज करके और फिर घर चले जाते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उनकी 14-15 दिन बाद 20 दिन बाद, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ वो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसको लाइट, देखो कोरोना का इलाज 7 से 10 दिन का नहीं है, कोरोना का इलाज चलता है 3 महीने तक। कोई भी कोरोना पॉजिटिव जिसको हॉस्पिटल में एडमिट रहा है या कोविड पॉजिटिव रहा है या सिम्टोमेटिक रहा है, 3 महीने तक अपने आप को लाइटली नहीं ले। कोई भी अगर 3 महीने के अंदर कोई भी तरीके का सिम्टम आए, कुछ मरीज क्या कर रहे हैं 15 दिन के बाद दोबारा सिम्टम आ रहे हैं जिसको कि गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो कोविड दोबारा से रेप्लिकेट कर रहा है। और क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डी डाइमर का बॉस ने बात करी थी, डी डाइमर एक इंडिकेटर है अपने कोरोना क्या करता है, अपने खून की जो नालियां हैं उसमें थक्का बनाता है, थक्का बनाने वाली जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है कोविड पेशेंट की, और डी डाइमर उनमें बढ़ जाता है। तो डी डाइमर इसका इंडिकेटर है कि थक्का बनाने की कैपेसिटी कितनी है अंदर। तो वो जो डी डाइमर है इन्वेस्टिगेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अगर कोविड पॉजिटिव हो आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो तो आपको 1-1.5 महीने बाद दोबारा रिपीट करवाना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद भी कोरोना पेशेंट हार्ट अटैक से कैजुअलिटी हो रही है। रीजन क्या है, वो थ्रोम्बस जो है बनने की कैपेसिटी कोविड पेशेंट्स में 3 महीने तक रहती है, तो आपको डी डाइमर वो रिपीट करवाते रहना चाहिए। और जो खून पतला करने वाली दवाई है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, चिकित्सक के देखरेख में, चिकित्सक की सलाह से वो कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, एक नई बात सामने मतलब मुझे लगा है, यानी कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो क्या खून को गाढ़ा करता है सारा जो भी है? यस यस, खून को गाढ़ा नहीं, बेसिकली क्या है, ब्लड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी। थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब अपना जो खून अपना निकलता है, जैसे कहीं कट लग गया, कट लगने के बाद ये खून भाई कितनी देर में जमेगा, वो होता है थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी। तो वो थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी कोविड के बाद बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब है कि खून जल्दी जमा हो रहा है, खून में थक्का जल्दी बन रहा है, तो उसको थ्रोम्बोजेनिक थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है। तो वो थ्रोम्बस अपने हार्ट की वेसल्स में, पेट की वेसल्स में जाके वो थ्रोम्बस अटक जाता है और उसमें हार्ट अटैक भी होने की संभावना रहती है, या पेट दर्द या बहुत ज्यादा सीवियर चांसेस होते हैं, कई चीजों में गैंग्रीन बनने का चांसेस होता है। तो वो थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो डी डाइमर टेस्ट उसका इंडिकेटर है कि डी डाइमर जिसका बढ़ा हुआ है उसमें थ्रोम्बोजेनिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से खून पतला करने वाली दवाई डॉक्टर अपनी सूझबूझ से अपने प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको चालू करता है। अपने गंगापुर में कई जो मौतें हुई है तो सडन जो आपने देखा, बिल्कुल पेशेंट का सैचुरेशन 94-95 है ना, और उसके बाद भी जो है बहुत सडन विद इन 10 मिनट्स पेशेंट कॉल आता है, ऐसे कई 2-3 उदाहरण है और बहुत अच्छे अच्छे जो है उनके उदाहरण है, सबको पता है उनका। तो वहां पर जो सिचुएशन आई मुझे लगता है शायद वो ये थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी के कारण ही है, जिस तरह से सडन जो है ये डेथ हुई है इस तरह से। बॉस ये जो म्यूटेंट जो स्ट्रेन है ना अपना, अभी जो अभी कोविड का चल रहा है, इसका मैंने भी मेरे कुछ एक रिलेटिव में मैंने देखो, मैं जो एक बार बार पैनिक बटन की बात कर रहा हूँ, पैनिक बटन दबाना का मतलब क्या है, आपको सारे अपने अपने देसी भाषा में बोलते हैं सारे घोड़े खोल दो, सारा दिमाग उस टाइम लगा दो जब सेचुरेशन 94 आ जाए। 94 अगर सेचुरेशन आ रहा है और उससे 93 हो रहा है तो सोना नहीं है, आपको व्यवस्था करनी है ऑक्सीजन सिलेंडर की, हॉस्पिटल में बेड की, क्योंकि 93 सेचुरेशन रात रात में 2 घंटे के अंदर वो 84 पे पहुंच जाता है। मैंने मेरे मेरे मामा जी का जो ब्रदर इन लॉ है, उसका लड़के का ब्रदर इन लॉ, उसका रात को सेचुरेशन हुआ 94-93। मैंने उसको बोला है, मैंने कहा बेड अरेंज करवा कैसे, पुणे में था वो, और आप बिलीव नहीं करोगे 2 घंटे के अंदर उसका 84 सेचुरेशन हो गया। वो तो बेड अरेंज कर लिया था उन्होंने बोलने पे, पैनिक बटन जिसको मैं बोल रहा हूँ, पैनिक बटन दबाने से बेड अरेंज जरूरी है अगर आपका सेचुरेशन 93 से कम होता है, क्योंकि 2-3 घंटे में ये सेचुरेशन सडन फॉल होता है।
अभी हाल ही कल ही का इंसिडेंट जो है सबको पता है, कल अपने डॉक्टर साहब मुकेश बंसल जी के ब्रदर, वो बहुत दुखद खबर थी और मतलब घटना हुई है और बिल्कुल ही अनबिलीवेबल हुआ। क्या वही साइटोकाइन स्टॉर्म एकदम दोबारा रिप्लिकेट हुआ है, वही जो है एक साथ जो है सडन जो है वो मतलब ऐसा दुख है ना शब्दों में अपन व्यक्त नहीं कर सकते। मैं गंगापुर के जो पीड़ा है ना लिटरली मैं इतना दुखी हूँ कि मतलब गंगापुर में इतनी वो हो चुकी है मौतें कि बिल्कुल निशब्द है कि यार क्या हो रहा है। और देखो ये सारे मैं आपको एक बहुत कटु शब्दों में बोल रहा हूँ, ये सारी असामयिक मौतें हैं, ये भगवान की देन नहीं है, भगवान नहीं मार रहा है इनको, ये असामयिक मौतें हैं, इनको अपन रोक सकते हैं, ये अपनी लापरवाही से हो रही हैं, आप समझो इस चीज को। मैं क्यों व्यथित हूं, क्यों पीड़ित हूं, क्योंकि जब अपनों की जाने जाती है तो आदमी हिल जाता है। ये सब एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को एक हद तक रोका जा सकता है। अपन इनको कि हाँ यार भगवान ने किया है वो किया, नहीं, ये सब मैन मेड है और अपन अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो इन चीजों को रोका जा सकता है। बस इन चीजों के लिए अपन को कठोर होना पड़ेगा। हम जिनके अपने जो अपने करीबी हैं उनको स्ट्रिक्टली अपन को बोलना पड़ेगा कि भाई घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर केवल इमरजेंसी के कारण। और देखो मौतें हो रही हैं, तीए की बैठक हो रही है, पर उसमें भीड़ मत लगाओ। आप घर बैठे सबको श्रद्धांजलि दे सकते हो अपनी तरफ से, आप भीड़ लगाओगे घर पे बीमारी लेके आओगे। सीकर की अभी घटना है तो किसी भी शादी विवाह सामोरा सब बंद कर दो, जिंदा रहेंगे तो सब कुछ है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं है। विजय जी और भी क्वेश्चन लीजिए, विजय जी और जो है जितने अपने पार्टिसिपेंट है उनसे क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है और जो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमको मिलेगी औरों को भी क्लियरिटी होगी। नमस्कार सब, एक बात पूछ रहा था। नमस्कार सब, मैंने 20 दिन पहले वैक्सीन लगवाया, उसके 5 दिन बाद मेरे को फीवर आ गया था, अभी मेरे को 15 दिन हो गया, मैं घर पे ही बिल्कुल बेड रेस्ट कर रहा हूँ और अभी कोई ट्रीटमेंट सारे बंद हो गए हैं, विटामिन सी की और इनकी गोलियां ले रहा हूँ मैं, तो मैं पूछ रहा था विटामिन सी और जिंक की गोलियां कब तक लेनी है। नहीं विटामिन सी जिंक की तो लेते रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है आपने अपने ब्लड की टेस्ट कब करवाए, खून की जांच करवाई है कोई? नहीं अभी नहीं करवाई। आप एक काम करिएगा, क्योंकि वैक्सीन लगने के 5 दिन बाद फीवर आया ना आपको जी, तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं आया। एक दिन ही आया था उसके बाद फीवर नहीं आया मेरे। हाँ तो वो वैक्सीन के 5 दिन बाद जो कोविड के आया हुआ, हाँ वो कोविड की वजह से आया, वैक्सीन की वजह से फीवर आता तो आपको पहले 3 दिन में आ जाता। तो आप एक काम करिएगा जी, और फिर मैंने कोविड का पूरा ट्रीटमेंट ले लिया। वो ठीक है आपने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन आपको अगर 10-15 दिन हो गए तो आप एक ब्लड जांच जरूर करवा लीजिएगा, जिसमें सीबीसी सीआरपी और डी डाइमर की 3 चीजें अपनी ब्लड की जांच करवा लीजिएगा और सैचुरेशन अपना चेक करते रहिएगा, सैचुरेशन 94 से ऊपर होना चाहिए। बस ये 2 चीजें करनी है, 98.9 आ रहा है। बस फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत है, पर ये ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिए। ठीक है, और सभी लोगों से एक वो है कि उल्टा लेटने की आदत डालो, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तो उस टाइम उल्टा नहीं लेटा जाता है। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, पर अपना रात को सोते टाइम करवट से तो सब सो लेते हैं लेकिन उल्टा लेटा नहीं जाता प्रोन पोजीशन में, क्योंकि इस बीमारी में कोरोना बीमारी में सैचुरेशन जब 80-85-90 पहुंच जाता है तो पेशेंट को उल्टा लेटाना ही पड़ता है हमको, और उल्टा लेटा के वेंटिलेशन देना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो कई लोगों को जिनको आदत नहीं होती उनको बहुत तकलीफ होती है उल्टा लेटने में। ये निवेदन करूंगा जो जो अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करके, होगी 4:40 होगी हमारी और 20 मिनट हमारे पास शेष है, तो अपने नंबर से तुरंत करें। किसी को पूछना है क्या कुछ? हेलो हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं कुछ। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि गंगापुर के एक एसएस के रूप में आप जयपुर में। अरे सर मेरा सौभाग्य है कि मैं सच बता रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं कोई 1% भी काम आ पाऊँ गंगापुर वासियों के लिए। मैं 24 घंटे और पूरे साल मतलब हर महीने में तत्पर रहता हूँ गंगापुर वासियों के लिए।
मेरा सौभाग्य है, मैंने जब भी आपको फोन किया आपने तुरंत गाइड किया है और तुरंत आपने हेल्प की है। हमारा मेरा ये सौभाग्य गंगापुर में डॉक्टर मुकेश गर्ग जी और जयपुर में आप बैठ के गंगापुर के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि देखने को आया है कि इस समय जो डेथ हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। पिछले जो एरा में जो डेथ हुई थी वो हुई थी अबव 60, और इस एरा में जो डेथ हो रही है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये 100% अपने को मान के चलना पड़ेगा कि इसका केवल और केवल एक इलाज है वैक्सीनेशन। अपने मन में जो डर है वैक्सीनेशन को लेकर, 100 नहीं सर 200% ये मान लो कि वैक्सीन जरूरी है, बिना वैक्सीन के बचाव संभव नहीं है। वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन 0.01% है, पर कोविड बीमारी का कॉम्प्लिकेशन आपको पता ही है कितना है। हाँ बिल्कुल पता है सर, मैं अभी रिसेंटली भुगता हूँ। छोटे ब्रदर की तबीयत खराब थी, 15-17 दिन में आया हूँ और मैं किस दौर से गुजरा हूँ मैं कह नहीं सकता। ऊपर वाले का शुक्र गुजार हूँ कि सब कुछ नॉर्मल रहा, घर पे ट्रीटमेंट लेके और सब कुछ ठीक रहा, उनका सब कुछ बढ़ा था। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह, यही निवेदन है कि डॉक्टर साहब ने जो जो चीजें बताई है उन पे अमल करें और स्ट्रिक्टली अमल करें। दो ही चीजें हैं, एक मास्क और एक वैक्सीन, बाकी और कोई तीसरा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ डॉक्टर डीसी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलो भाई साहब। मेरा तो सभी सदस्यों से यहाँ पर ये बात कहनी है इस मंच के माध्यम से, भाई अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाए लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन घर के बाहर हम लगा के अंदर बैठ जाएंगे, उससे कुछ जाने वाला नहीं है। कम से कम इस मीटिंग के माध्यम से लोग समझ लें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। टोको आप, वो आपका बुरा माने तो माने, आप जितने हो सके उतने लोगों को टोको। ये अपनी वो है, अपन कर सकते हैं उसको, उस काम को अपन कर सकते हैं। तो कम से कम सभी लोग किसी को बाहर नहीं निकलने दें, ज्यादा से ज्यादा टोकें, घर में ही रहें, घर से बाहर निकलने की चेष्टा करें ही नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बिल्कुल सही बोला, यही है जो अपने हाथ में है, और जो अपने हाथ में है ना वो ही करना बेहतर है। एक वैक्सीन से रिलेटेड थोड़ा सा एक मेरा इनपुट मैं इतना देता हूँ कि अभी जैसे वैक्सीन डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन वैक्सीन भी अपना टाइम लेती है, उसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है आप ये नहीं समझे कि वैक्सीन आपने आज लगाई कल आप जो है वो शुरू भी हो गए आपको ना। कई बार क्या है कि हम जल्दीबाजी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे हम भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे और अननेसेसरी वहां पर एक्सपोज हो जाएंगे एक वैक्सीन के चक्कर में। खासकर मैं बात कर रहा हूँ उन ओल्ड एज हमारे पेरेंट्स की, जिनको हम ले जा रहे हैं उन भीड़ भाड़ वाली जगह पर वैक्सीन लगवाने के लिए। तो आप बेटर है, उससे बढ़िया है कि आप उनको घर में प्रोटेक्ट रखें, जब आपको प्रॉपर टाइम हो और जब आप उनको प्रॉपर लगवा सके, सेफली लगवा सके, वो बहुत जरूरी है ना। ये तो होगा नहीं कि वैक्सीन आपने आज लगवाई और कल जो है आपका आप जो है वो इम्यूनाइज हो गए, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस हड़बड़ी में कहीं ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी जो है वो एक्सपोजर हो जाए। और हमारा तो ये बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन लगने के बाद आप अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो 3-5 दिन बिल्कुल घर में बंद रहना। ऐसा नहीं हो कि आपने वैक्सीन लगवाई और तुरंत आपको कहीं से प्रसाद मिल गया कोविड का, तो वो बहुत घातक होगा। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद आप घर में ही बंद रहो, और वैक्सीन लगवाने के लिए अभी वैसे भी महामारी चल रही है, आप इतना ज्यादा एक्सपोज खुद को भी मत करो कि आप वैक्सीन के साथ साथ बीमारी भी लेके आ जाओ। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर मुकेश बॉस ने। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो सर, नमस्कार, मैं विकास खंडेलवाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी, बोलिए सर। पोस्ट वैक्सीनेशन, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, दोबारा से रिपीट करेंगे। हेलो, सर आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को रिपीट करिएगा प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रहा है। पोस्ट वैक्सीनेशन बस ये सुनाई दिया मुझे। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। विकास भाई ऐसा है आप नेटवर्क में जाइए एक बार, नेटवर्क सही है आपके यहाँ। हेलो, नेटवर्क
एक बार ये कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन हम सुन नहीं पा रहे हैं वो मैसेज कर दें, मैसेज कर देंगे तो डेफिनेटली बाद में भी हम जो है डॉक्टर साहब से जो है उनका वो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। आप उनका क्वेश्चन आप मैसेज कर दें, आप विजय जी को किसी को कन्वे करके, और वो क्वेश्चन का हम जो है वो रिप्लाई डॉक्टर साहब से ले लेंगे। जी जी सर। हेलो हेलो सर, अरविंद राउत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर मैं एक जानकारी चाह रहा था, जैसे दूसरी डोज लगती है उसके बाद में अपन को क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? सर जो पहली डोज में आपको सेफ्टी रखनी है वही सेकंड डोज में रखनी है, वही आपको 5 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है जब सेकंड डोज लगती है उसके बाद। दूसरी बात, सेकंड डोज लगने के बाद भी कम से कम 10 से 14 दिन में आपको प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 से 14 दिन में आप इन्फेक्ट हो जाओ। तो वैक्सीन का जो सूडो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं वैक्सीन लगवा लिया यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो नहीं है। वैक्सीन लगवाने के 10 से 14 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक सवाल आया, फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी कितनी डेवलप होती है? बेसिकली अलग अलग जो वैक्सीन का कंपनी है उसके अलग अलग क्लेम्स हैं। फर्स्ट डोज के बाद वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो अराउंड 80% के आसपास होती है, वो भी 3 वीक के बाद। लेकिन सेकेंड डोज लगवाना जरूरी है, सेकेंड डोज के बाद आपको फुल इम्यूनिटी मिलेगी, और वो फुल इम्यूनिटी मिलने में सेकेंड डोज के अराउंड 2 to 3 वीक के बाद ही मिलेगी। डॉक्टर साहब हेलो। हाँ जी हाँ जी हेलो हेलो। मैं यूं पूछा था, वैक्सीन लगने के बाद में फीवर आता है, हल्का फीवर जिसे अपन बोलते हैं, नॉर्मल है? अब नॉर्मल है, वैक्सीन के बाद जो फीवर आता है वो नॉर्मल है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के अगर 3 से 4 दिन बाद भी फीवर आ रहा है तो वो एबनॉर्मल। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। उसको लाइट लेने लें। एक क्वेश्चन, ये मैसेज आया SpO2 95 से अबव है और खांसी है तो क्या HRCT करवानी चाहिए? अगर आपका SpO2 95 से अबव है और खांसी परसिस्टेंट है, आपको लग रहा है कि 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो बेटर है कि एक बार नेबुलाइजेशन अगर आपने नहीं लिया है तो बुडेकोट का नेबुलाइजेशन होता है, वो नेबुलाइज करें घर में 3-4 बार, और प्राइमरी ट्रीटमेंट ले। अगर उससे भी ठीक नहीं होते तो आपको HRCT या चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। सबसे बड़ी जो समझदारी वो यही है कि हम जो है ना इसमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि ये कोविड वैक्सीन के कारण फीवर है या कोरोना इन्फेक्शन, ये बहुत कैजुअल। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिप्रकाश जी, आपको याद हो डॉक्टर जेवा फिजा मेरी बैचमेट है ना, वो भी इसी कंफ्यूजन के कारण ही, वो वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन के बाद में जो है वो 3rd-4th day उनको फीवर आया, और उसको ऐसे ले रहे थे भाई ये चलो उसी का वैक्सीन का वो है फीवर। बॉस वैक्सीन का फीवर first 3 days में आएगा, पहले 3 दिन में। दूसरी चीज, मैं बहुत बार बार उसी चीज को मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, वैक्सीन लगवाने के 5 दिन के अंदर अंदर कहीं दूसरी जगह से प्रसाद नहीं लेके आए कोविड का। वैक्सीन लगवाने के 3 से 5 दिन के अंदर घर में बंद रहें, अपने आप को अलग से रखें, बाहर जाके इन्फेक्शन अगर मिल गया कोविड का तो वो खतरनाक हो सकता है। सर हमारे साथ मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुशील भाई दीक्षित जी मौजूद है, अगर वो अपना क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, सुशील जी भाई साहब, हेलो। हाँ जी सुशील भाई साहब, आवाज नहीं सुन रहे। हेलो हेलो भाई लाका जी कैसे हो? हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बस सर आशीर्वाद आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा, बहुत आज आपका, आपसे पहले 2-3 दिन पहले डॉक्टर मुकेश जी ने भी गंगापुर के लोगों को बहुत अच्छे सजेशन दिए थे, और आज आपने जो भी कमी रह गई थी थोड़ी बहुत वो पूरी कर दी। लेकिन मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो व्यक्तिगत भी हो गया एक तरह से, और आपके लिए भी एक मैं क्वेश्चन ये रखना चाहूंगा कि जैसे अभी अपने यहाँ एक कैजुअलिटी हुई थी संतोष जी दुबे की, जी जी, तो उनको लगभग 8 तारीख को उनको वैक्सीन लगा था पहला,
और उनकी टेस्ट उनको इतना ऐसी कोई तबीयत ज्यादा खराब भी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे खांसी जुकाम वगैरह हल्का फुल्का हुआ था और 22 तारीख को खत्म हो गया सारा सारा। मैं अभी पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूँ, वैक्सीन लगने के अगर 5 दिन के अंदर अंदर आपको बाहर से कहीं से इन्फेक्शन हो गया जी 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 तो वो आपके लिए जान के लिए घातक हो सकता है। रीजन क्या होता है, वैक्सीन आपको लगा उसके बाद वैक्सीन करता क्या है, वैक्सीन आपके अंदर हल्का सा इन्फेक्शन करता है और उस हल्के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बनती है आपके अंदर बॉडी के अंदर। जी। अगर उस 5 दिन के प्रोसेस के अंतर्गत आपने बाहर से कहीं घूम रहे हो जा रहे हो आप और बाहर से आपको कोविड हो गया क्योंकि उस टाइम आप इम्यूनाइज नहीं हो, आप प्रोटेक्टेड नहीं हो वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन का प्रोटेक्शन आएगा 3 वीक के बाद। जी जी जी। वैक्सीन लगते ही आपको बाहर से कहीं से बीमारी मिल गई तो वो बीमारी आपकी जान के लिए घातक होगा, वो वैसे ही कोरोना घातक होगा जैसे नॉर्मल आदमी में होता है। जी 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 जी। तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं, बाहर से कहीं से कोविड आया है उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। जी जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल सारी चीजें मैं समझ भी रहा था लेकिन हाँ। क्योंकि हम बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, एक बार और इस बात को स्पष्ट करना जरूरी हो गया था कि सब लोगों को अच्छी तरह इसकी जानकारी मिल जाए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन बार बार आ भी रहा था। टीका लगने के टीका लगने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहे पहली चीज। टीका दूसरी चीज, टीका लगने के 3 हफ्ते बाद आपको इम्यूनिटी आती है 21 दिन बाद, तो उस 21 दिन में आप वैसे ही हो जैसे बिना टीका लगे हो। जी जी थैंक यू सर। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखो। जी मेरा आपसे एक और मेरा निवेदन है, जो आप 28 दिन का बाद का टाइम दिया सेकंड डोज का जी ना 28 डेज बाद, तो उसके बाद कितना टाइम अपन ले सकते हैं 28 दिन के बाद? आप उसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ गई है, इसको आप 6 to 8 weeks तक एक्सटेंड कर दीजिएगा, मतलब आप 2 महीने पे लगाइएगा। जी 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 थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आपने और डॉक्टर मुकेश जी ने गंगापुर के लोगों को बहुत राहत दी है, आपके लोगों को बहुत काम होंगे और हम आपसे ये निवेदन करेंगे आपका, डॉक्टर डीसी का, संस्था के विजय जी गोयल का, आप सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आपने ऐसे टाइम पर इस महामारी के टाइम पर लोगों को इतने अच्छे अच्छे सजेशन दिए, उसके लिए हम आपका एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सर। आप हेलो विजय जी। विजय भैया। हाँ जी सर। एक बार महेश जी डॉक्टर साहब से। विजय जी। महेश जी। विजय जी। यस सर। सुन रहे हो क्या मुझे? हाँ सर, डीसी जी बोलिए भाई साहब। डॉक्टर जी बोलिए सर, बोलिए। ये जो अपन बूस्टर डोज लगते हैं जी, ये अपन को क्या सर? किस दिन का जो आप बता रहे हो, दूसरी डोज को आप 6 to 8 weeks तक लगवा सकते हो, 2 महीने के बाद लगवा सकते हो। 2 महीने लगाने के बाद में भी 21 दिन आपको वो रखना है क्या प्रिकॉशन? 2 महीने लगाने के बाद भी 2 हफ्ते आपको प्रिकॉशन रखना है। फर्स्ट डोज से आपको इम्यूनिटी मिलती है 70-80%, सेकेंड डोज से मिलती है आपको 90-95%। तो जो भी इनकी वो है, वो सेकेंड डोज के बाद कंप्लीट इम्यूनिटी जो मिलती है वो 2 वीक के बाद मिलेगी, 2 to 3 weeks के बाद। नमस्कार। हेलो। डॉक्टर बात पूछ रहा था मैं। जी सर। ये जी जिन्होंने बाईपास करवाई है उनका भी वैक्सीनेशन करवाए, उनको प्रेजेंट में डायबिटीज भी है? बिल्कुल सर बिल्कुल, वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है बाईपास वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए उनको भी करवाना है वैक्सीन लगवाना। विजय जी कंफ्यूजन था थोड़ा सा, निवेदन कर दूं जो एक मिनट कि जो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अलावा सारे लोग माइक को बंद रखें ताकि क्वेश्चन आराम से उसका आंसर लग जाए। बोलिए जो भी पूछना चाहते हैं वो बोलिए। हाँ बोलिए सर। मैं तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बाईपास पूछ रहा था, उनको वैक्सीनेशन करवाए कि नहीं करवाए? हाँ उनका आप करवाइएगा, वैक्सीन जरूरी है उनके लिए भी।
हेलो, मैं सभी पार्टिसिपेंट को ये बताना चाहूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग की जो है पूरी लिंक जो है वो हम विजय जी को और उनको शेयर कर देंगे, तो आपको जैसे इसको बाद में रिप्ले करके भी आप देख सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस आपको पुट अप किए हैं सारे सीरम में तो चाहिए बाजार में जा रहे हां। बाकी लोग सब अपना स्पीकर बंद कर ले भाई, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, डीसी जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर डीसी जी, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कुछ डिस्टरबेंस हो गया क्या बात है? नहीं डॉक्टर साहब का ऑडियो तो क्लियर है, एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उनका थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, सिर्फ आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी चीज मैं आपको एक उम्मीद और वो एक बता दूं कि अपने राजस्थान में मोस्टली पीक आ चुका है, ठीक है, और अब केस कम होना शुरू हो चुके हैं लगभग। ये बहुत अच्छी खबर है। तो ईश्वर की कृपा से और मेरे हिसाब से सब अपन थोड़ा सा 15 एक दिन और सावधानी रखो, ये 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, बेड अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, मतलब हम चाहते हुए भी किसी की सहायता नहीं कर पा रहे, और ये सबसे मतलब पीड़ादायक होती है एक डॉक्टर के लिए कि आप किसी मरीज को जिसको कि अर्जेंट चिकित्सा की सहायता की जरूरत है उसको आप दे नहीं पा रहे हो। तो अब ये 10-15 दिन जो है बहुत क्रूशियल हैं, तब तक अपने पास बेड भी अवेलेबल हो जाएंगे और मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी सबके लिए। अब सर हमारे पास 4 मिनट शेष रह गए मात्र, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर साहब की बिजनेस मीटिंग होने वाली है। ओके जी बोलिए जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, रणेश शर्मा निवेदन कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। सबसे पहले तो मानव सेवा संस्थान नई दिशा सोसाइटी के सभी पदाधिकारी गणों को, मुकेश जी डॉक्टर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसे समय में अपने सलाह और अपने मशविरा से सबको कोविड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे जिनके लिए ना तो टीका है ना अपन, ये ही उनके लिए उपाय है वो घर में रहे, लेकिन उनके लिए इम्यूनिटी के लिए अपन क्या भोजन दे सकते हैं, क्या अपन सप्लीमेंट दे सकते हैं? देखो बच्चों के लिए अभी जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से वैक्सीन एडवाइजेबल नहीं है, जो भी इन्होंने अभी भी गाइडलाइन दी है वो 13 से 14 साल के ऊपर वालों को शायद आज अलाउ किया है, बट कहीं पर भी प्रॉपर डाटा नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि किस एज से वैक्सीनेशन नीचे करना चाहिए। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। अब बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका तो यही है कि उनको घरों में रखें, ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों में जनरली अपने जो भी वेजिटेरियन बच्चे होते हैं जो कि अपना 99% अपन वेजिटेरियन ही है, उनमें आयरन की कमी होती है और विटामिन डेफिशिएंसी होती है, तो एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी बच्चा आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो उसको एनीमिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीमिया कम होता है तो इम्यूनिटी लो होती है। तो उनका डाइट न्यूट्रिशन का हमको भी पता है, आपको भी सबको पता है कि न्यूट्रिशनल क्या क्या चीजें होती है। हम कोई भी आयरन रिच जैसे चुकंदर हो गया या अनार हो गया, इनके जूस उनको बच्चों को पिलाए अगर पी सकते तो, नहीं आयरन सिरप दें उनको, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। बाकी जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनको तो आप डाइट अपने हिसाब से अच्छी हाई प्रोटीन डाइट और आयरन रिच जो फूड्स हैं वो आप उनको सप्लीमेंट कर सकते हो, उनको खिला सकते हो। कितना समय हो रहा है हमारे पास? नहीं आप डेफिनेटली जो 2-5 मिनट और आप लीजिए क्वेश्चन, आप क्यों 2-5 मिनट अगर और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप बिल्कुल करवाइए। हाँ जी हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आपका मूड का बटन ड्राई है डीसी सर? हेलो
अब हेलो विजय जी आवाज आ रही क्या? हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो आ रही है, आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। मेरा सभी सदस्यों से ये कहना है हेलो डीसी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो आवाज आ रही है सर आपके? आवाज हाँ। मेरा सभी सदस्यों कहना है 12 तारीख को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए मेधावी गौतम डाइटिशियन एंड न्यूट्रोलॉजिस्ट का एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया है। तो सभी सदस्य 12 तारीख को बुधवार को 4 बजे तैयार रहें और अपने जो सवाल जवाब हैं जो पूछना चाहें सवाल जवाब उस दिन पूछ सकते हैं। सर अभी और ज्यादा प्रश्न नहीं है किसी जी, तो आप एक बार थोड़ा फाइनल जो है आपका कमेंट और जो विजय जी या जो भी आप देना चाहे एक बार डॉक्टर को धन्यवाद, डॉक्टर को धन्यवाद एक वो दे दें। और मैं आप सबको बता दूं कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग भी जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगी तो इसका फायदा सभी ले पाएंगे, पूरे गंगापुर वासी जो है इसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके और होते हैं क्वेश्चंस को मैसेज करके भी आप दे सकते हैं और डॉक्टर साहब तो तत्पर रहते ही हैं, सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। हमारे साथ विकास जी विकेश भाई साहब भी है साथ में, विकेश जी कोई क्वेश्चन होता आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विकेश भाई, क्या हाल है? बस जी रहे। आपकी अरे आपकी आपकी सजगता जो है वो गंगापुर सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका पूरा पूरा सहयोग इसमें बना हुआ रहता है। धन्यवाद सर। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसी आदमी को कोरोना हो जाता है तो उसके बाद में उसको वैक्सीन कितने दिन बाद में लगानी चाहिए? कोरोना होने के बाद पहली चीज तो इम्यूनिटी, जो प्राइमरी इम्यूनिटी होती है उसको आ जाती है कोरोना होने के बाद, एक बार कोविड होता है तो उसको इम्यूनिटी आ जाती है, तो एटलीस्ट उसको वेट करना चाहिए 2 मंथ का, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए। अच्छा 2 मंथ। हाँ और इसमें अभी थोड़े से 2 क्राइटेरिया है वो अभी क्लियर नहीं है। जो भी कोविड इन्फेक्टेड है उनको कई लोग बोलते हैं कि सिंगल डोज इज सफिशियंट और कुछ स्टडीज बोल रही है कि 2 डोज लगवानी चाहिए, बट मेरे हिसाब से कोविड होने के बाद एक बार अगर हो सके तो एंटीबॉडी टाइटर करवा लीजिएगा, अगर वो होने के बाद आपको लगता है कि एंटीबॉडी सफिशियंट है तो सिंगल डोज इज सफिशियंट फॉर कोविड पेशेंट्स जो कोविड रिकवर हुए। मीन मतलब एंटीबॉडी पहले टेस्ट करवाएं उसके बाद में ही फिर डॉक्टर की सजेशन से फिर करें काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके विजय भाई। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मुझे फर्स्ट डोज लेने के बाद जैसे कोविड हो गया है तो अब मैं सेकंड डोज कब ले पाऊंगा? आपको ने फर्स्ट डोज कब ली थी? मेरे को 20 दिन हो गए सर। और कोविड कब हुआ था? 10-15 दिन हो गए अभी। ओके तो आपको बेटर है अभी 2 महीने वेट करो और उसके बाद एक एंटीबॉडी टाइटर करवा के और फिर आप सेकंड डोज लगवाइएगा, क्योंकि सेकंड डोज आप 2-3 महीने तक वेट कर सकते हो सेकंड डोज के लिए, मतलब मैक्सिमम आप 90 डेज के बाद आप सेकंड डोज लगवा सकते हो, तो अभी जल्दबाजी नहीं करें, सेकंड डोज के लिए आप 8-12 हफ्ते तक वेट कर सकते हो। सर डॉक्टर साहब डीसी जी, जी सर ये समापन कराएं मीटिंग का, जो अगले मीटिंग का टाइम हो गया 5 बजे का। हाँ ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब धन्यवाद, हम सभी तरफ से कर गया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और डीसी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने मिलके और ये मीटिंग का आयोजन किया, मुकेश बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जो आयोजक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मानव सेवा संस्थान और नई दिशा सोसाइटी, भारत विकास परिषद कुशालगढ़ और बुद्धि प्रकाश शर्मा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आपातकालीन की इस महामारी के टाइम आपका सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जब भी समय हमको जरूरत पड़ेगी आपका समय मिलेगा। मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहूंगा, मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए गंगापुर वासियों के लिए उपलब्ध हूँ, दिन रात मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आप खुद सजग रहें, सुरक्षित रहें और अवेयर करें लोगों को कि आप घरों में रहें,
जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो बाहर नहीं निकले। हम भी सहायता तभी कर पाएंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे, क्योंकि जब हाँ जी ये हमारे विकेश भाई और काफी परेशान थे काफी दिन पहले इस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप परेशान हो। मेरा ये कहना है कि आप एक वीडियो मैसेज बना के और विकेश भाई वीडियो मैसेज बना के सभी लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज दें शहर के लिए कि कम से कम लोग बाहर निकले, कम से कम मुक्ति करें। अरे डीसी जी, अरे रोना आता है अभी गंगापुर को देख करके भाई, इतना इतना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, फिर भी पब्लिक जो है ना वो अवेयर नहीं है। हमारे औरों को छोड़ो, पढ़े लिखे लोग ही अवेयर नहीं है यार, दुकानदारी